श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम तीन ग्रहों की सीरीज में सूर्य, गुरु और केतु की युति के ऊपर विचार करेंगे और एक एक करके सूर्य के साथ अन्य दो ग्रहों की युतियों का भी फल पूरा करेंगे। तो इसी क्रम में आज सूर्य, गुरु, केतु तीन ग्रहों की युति के ऊपर हम विचार करेंगे। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो और सभी सुरक्षित रहें। आइए आज बात करते हैं सूर्य के साथ गुरु और केतु की युति। इस युति में सूर्य को ग्रहण होता है और सूर्य और गुरु की युति के कारण ऐसे जातक का भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल होता है। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के ऊपर शत्रु ग्रह राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं कहीं किसी किसी भाव में इसका मंदा फल भी जातक को प्राप्त होता है। जब केतु किसी एक या दो ग्रहों के साथ मिल जाता है तो उनके प्रभाव को बढ़ाता है, एक बूस्टर का काम करता है, शुभ अथवा अशुभ प्रभाव को कई गुना केतु बढ़ा देता है। और यदि कुंडली में इस युति पर शनि की दृष्टि हो तो तीनों ग्रहों का मंदा फल होगा और केतु की महादशा जातक के लिए कष्टकारी रहेगी, अशुभ रहेगी। और अन्यथा यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है, ऐसे जातक का भाग्य बहुत प्रबल होता है, ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। किंतु कहीं कहीं देखा गया है कि ऐसे जातकों को संसारिक विषयों में बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, संसारिक कार्यों में सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। किंतु यदि जातक कोई वैरागी हो, कोई सन्यासी हो तो उनका भाग्य बहुत तेज होता है, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और समाज में विशेष मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इस युति के प्रभाव से ऐसे जातक का जन्म किसी अच्छे और समृद्ध परिवार में होता है, शाही परिवार में ऐसे जातक का जन्म होता है, अच्छे कुल में ऐसा जातक जन्म लेता है। कुंडली में यदि शुक्र इस युति से पहले घरों में हो तो इस युति का मंदा फल जातक के जीवन के ऊपर हो सकता है, जातक को कहीं भी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। इस युति के प्रभाव से यदि जातक कुछ लालची स्वभाव का हो, स्वार्थी स्वभाव का हो तो उसे जीवन में हानि उठानी पड़ती है और भाग्य अच्छी तरह से ऐसे जातक का साथ नहीं देता। और इस युति के प्रभाव से जातक को संतान सुख भी अच्छा प्राप्त होता है, संतान सुख में बढ़ोतरी होती है। और किंतु ऐसा भी देखा गया है कि इस युति के प्रभाव से मामा और पड़ोसियों के ऊपर बहुत मंदा असर होता है और उनको हानि की संभावना होती है। पाप दृष्टि कुंडली में हो या सूर्य अपने किसी शत्रु की राशि में हो तो ऐसी स्थिति में 22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का समय जातक के लिए मंदा हो सकता है, ऐसे में संतान सुख भी जातक के लिए मंदा होगा। इस युति के प्रभाव से जातक के भाग्य में उसके पिता का भाग्य भी शामिल होगा
और उसके पुत्र का भाग्य भी शामिल होगा। अर्थात ऐसे जातक को अपने पिता का साथ करना भी शुभ रहेगा और पुत्र का साथ भी शुभ रहेगा। और पिता पुत्र का जातक के साथ रहना अच्छा रहेगा और इससे जातक का भाग्य जो है वो उत्तम होगा। कुंडली में किसी भी भाव में यदि शुक्र और शनि की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक विकलांग हो सकता है और इस युति के प्रभाव में ऐसे जातकों को मुफ्त में कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यदि कोई जातक को कोई वस्तु फ्री में देता है तो बदले में उसे कुछ ना कुछ अवश्य दे देना चाहिए, अन्यथा इस युति के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। इस युति वाले जातकों को सोना व केसर अपने पास कायम करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। जब एक ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह मिल जाता है तो वह अच्छा योग भी हो जाता है और बुरा योग भी हो जाता है। और जैसे ग्रहों की युति के ऊपर श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग, के ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं। सुयोग होने पर बहुत अच्छा फल मिलता है और कुयोग होने पर इसका मंदा असर होता है। लख ही सुलक्षण लोग, इसे कोई अच्छे लक्षणों वाले जातक ही जान सकते हैं। और सूर्य गुरु केतु के प्रभाव से ऐसे जातकों का चेहरा कुछ चौड़ा हो सकता है और ऐसे जातक स्वार्थ और लालच के कारण जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं। मेख सिंह धनु व कर्क लग्न में इन तीनों ग्रहों की युति का बहुत अच्छा फल जातक को प्राप्त होगा। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा, धनवान होगा, वैभव संपन्न होगा और कोई उच्च अधिकारी होगा, क्योंकि इस युति में इन लग्नों में इस युति का बहुत अच्छा फल जातक को प्राप्त होगा। आइए कुंडली में इस युति का भाव अनुसार फल के ऊपर विचार करते हैं। भाव एक में, कुंडली के भाव एक में यदि मेघ सिंह धनु कर्क लग्न होगा तो इस स्थिति में राजयोग होगा। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी होगा, वैभव संपन्न होगा और जीवन में सदा सुखी रहेगा। किंतु सप्तम भाव में राहु की स्थिति और सूर्य की दृष्टि के कारण गृहस्थ सुख में कुछ कमी हो सकती है। ऐसे जातकों को अपने घर में चांदी की ईंट रखनी चाहिए और पेट रोग की समस्या भी ऐसे जातकों को रह सकती है, गैस की समस्या ऐसे जातकों को रहती है। और कभी कभी देखा गया है कि इस युति के मंदे प्रभाव के कारण जातक की यादाश्त कुछ कमजोर हो सकती है। भाव दो में सूर्य गुरु केतु की युति का हम विचार करते हैं। ऐसे जातक का घर बहुत भव्य होता है, बहुत सुंदर घर होता है। ऐसा जातक वैभव संपन्न होता है और ऐसे जातक बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, सेना पुलिस आदि में नाम रोशन करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे जातक स्वभाव से थोड़े क्रूर भी हो सकते हैं। ऐसे जातकों का भविष्य उत्तम होता है। अष्टम राहु का उपाय ऐसे जातकों को करना चाहिए। जातक बहुत बहादुर होगा और शुक्र के काम करने से जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होगी। केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। यदि इस युति के ऊपर मंदा प्रभाव हो, अशुभ राशि में यह युति बने, कई पाप ग्रह इस युति को देख रहे हो तो जातक को मूत्र विकार रह सकता है, किडनी संबंधी कोई रोग की समस्या ऐसे जातक को हो सकती है, नेत्र रोग की समस्या हो सकती है और संतान सुख में कमी भी इसके कारण जातक को हो सकती है। आगे भाव तीन में इस युति का विचार करते हैं। यदि कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य गुरु और केतु की युति हो
तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी प्रकार जातक लालच ना करे, स्वार्थी ना बने, तो निश्चय ही वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, धनवान होगा और धन दौलत में वृद्धि होती रहेगी। और इस युति में जातक में और जातक के जीवन साथी में दूरी हो सकती है, पति पत्नी में दूरी भी संभव है, क्योंकि राहु नाइन्थ हाउस में बैठकर इसका मंदा फल जातक को देता है। यदि जातक नम्र स्वभाव का हो तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यदि जातक में गुरूर हो और अहंकार हो तो निश्चय ही इसके मंदे पर जातक को मिल सकते हैं। भाइयों से जातक का मन मुटाव रह सकता है और दक्षिण मुखी घर ऐसे जातकों के लिए अशुभ होगा। भाव चार में यदि सूर्य गुरु केतु की युति हो तो इसका शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। ऐसा जातक के शाही ठाट होंगे, वैभव संपन्न होगा जातक, किंतु मन कुछ उदास रह सकता है। कुंडली में यदि केतु मंदा हो तो जातक बहुत ज्यादा स्वार्थी होगा, भाग्य मंदा हो जाएगा और संतान सुख में कमी होगी। ऐसा जातक नम्रता से सुख प्राप्त करता है और धैर्य रखने से भी जातक जीवन में सुख प्राप्त करता है। यदि केतु कुंडली में बहुत ज्यादा मंदा हो तो ऐसे जातक सन्यासी भी हो सकते हैं। इस युति के चौथे भाव में होने पर गले में चांदी पहनना, चांदी की चैनी पहनना शुभ रहेगा। भाव पांच में सूर्य गुरु केतु की युति के ऊपर विचार करें, ऐसे जातक की संतान जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होती है, बहुत धनवान होती है, वैभव संपन्न होती है और जातक के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है। इस युति के प्रभाव में जातक को चाहिए वो सबको माफ करता रहे, किसी भी बात को मन में ना रखे, शत्रुता को मन में ना रखे, सबको माफ करता रहे। मंदे प्रभाव में जातक को पुत्र की चिंता रह सकती है। भाव छह में सूर्य गुरु केतु की युति हो तो यहाँ पर इस युति का मंदा फल जातक को मिल सकता है, क्योंकि छठा भाव अशुभ होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी होगी। ऐसा जातक पराधीन हो सकता है, दूसरे के अधीन रहना पड़ेगा, स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है, बड़े अधिकारी से कलह हो सकता है, अनबन रहेगी, बड़े अधिकारी के साथ जातक की नहीं बनेगी और नम्रता से जातक जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा। इस युति के मंदे प्रभाव से छठे भाव में अकारण बिना कारण ही बहुत से शत्रु जातक के सामने आ जाते हैं, जिससे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को गुरूर अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। भाव साथ में सूर्य गुरु केतु की युति के कारण जातक का जीवन साथी से मनमुटाव रह सकता है, विवाह में विलंब हो सकता है और एक से अधिक विवाह भी ऐसे जातक के संभव है। जातक को दरिद्रता का, गरीबी का सामना करना पड़ेगा, गृह सुख में कमी होगी और ऐसे जातक देखा गया है कि तपस्वी भी होते हैं, तप करने वाले होते हैं और ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपने वचन का पालन करें, जो भी वाक मुख से निकले उसे अवश्य पूरा करें और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलें जो आप कर सकें। भाव आठ में सूर्य गुरु केतु की युति का हम विचार करते हैं, ऐसे जातक दरिद्र और निर्धन हो सकते हैं, धन की हानि ऐसे जातकों को होती है। देखा गया है कि केतु की महादशा में ऐसे जातक बहुत ज्यादा धन हानि को प्राप्त करते हैं और आत्मविश्वास में बहुत कमी होती है, कब्ज रोग की समस्या जातक को हो सकती है, संतान सुख में कमी होगी। भाव नौ में सूर्य गुरु केतु की युति हो तो ऐसा जातक वैभव संपन्न होता है, शाही ठाट वाट होते हैं और कठोर स्वभाव से जातक उन्नति प्राप्त करता है। और कुंडली में हम भाव नौ के ऊपर विचार करते हैं, भाव नौ में
यह युति होने पर जातक बहुत भाग्यशाली होता है, धन व परिवार में वृद्धि होती है और ऐसा जातक विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करता है, विदेश यात्रा भी करता है। और सोना धारण करना चाहिए, घर में पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। भाव दस में सूर्य गुरु केतु की युति का विचार करें तो ऐसा जातक वैभव संपन्न होता है, शाही ठाट बाट होते हैं। और यदि ऐसे जातक का स्वभाव कुछ कठोर होता है और जातक डिसिप्लिन का बहुत पालन करता है तो जीवन में बहुत उन्नति करता है, संतान सुख में कमी हो सकती है। और ऐसे जातकों को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। भाव 11 में सूर्य गुरु केतु की युति का विचार करें, ऐसे जातक को सरकार से लाभ होता है, जातक उच्च अधिकारी होता है और जातक जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। वकालत का काम जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातकों की शिक्षा इनको गलत प्राप्त होती है। और संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है, पहली संतान को जातक की कष्ट हो सकता है। भाव 12 में सूर्य गुरु केतु की युति का विचार करें, ऐसा जातक वैभव संपन्न होगा, धनवान होगा, पराक्रमी होगा और बाहुबली होगा। ऐसे जातक की बाहों में बहुत बल होता है और ऐसे जातकों को जीवन में सफलता के लिए अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये है 1 से 12 भावों में सूर्य गुरु और केतु की युति का प्रभाव। और यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य गुरु केतु की युति है तो अपना सुझाव अवश्य दें, सुझाव कमेंट करें और आपके ऊपर भाव के अनुसार इस युति का कैसा प्रभाव पड़ा वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस युति के मंदिर फल मिल रहे हैं तो भगवान शंकर भोलेनाथ की आराधना करें, उनका कीर्तन करें, भजन करें। ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय का जप करें और भाव अनुसार बताया गया उपाय भी आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।